जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की करते हैं तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत। सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ, 22 लाख ऐसे बच्चे हैं जिनको अभी भी नहीं मिल पाएगा मुफ्त इलाज क्योंकि इनका आयुष्मान कार्ड ही नहीं बनेगा। वजह है आधार और बायोमेट्रिक डाटा इनका अपडेटेड नहीं है। केंद्र से छत्तीसगढ़ को निर्देश आए हैं कि मुफ्त इलाज वाला आयुष्मान कार्ड यहाँ के 70% लोगों का बन जाना चाहिए, लेकिन इस आदेश के बाद भी नई मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। आयुष्मान कार्ड तभी बन सकता है जब संबंधित व्यक्ति का आधार कार्ड हो और बायोमेट्रिक डेटा भी इस आधार कार्ड के माध्यम से अपडेट हो। मुश्किल ये है कि प्रदेश के तकरीबन 33 जिले में से 0 से 5 वर्ष तक के 22 लाख ऐसे बच्चे हैं जिनका आधार और बायोमेट्रिक्स दोनों ही अपडेटेड नहीं है, और यहाँ पर तो 20% से ज़्यादा बच्चों के पास आधार कार्ड भी नहीं है। एजेंसी ने इसी वजह से चिप्स के CEO से कहा है कि जिन बच्चों का आधार कार्ड नहीं है के आधार कार्ड जल्दी तैयार किए जाएं, लेकिन जानकारों के मुताबिक इतनी बड़ी संख्या में बच्चों का आधार कार्ड बनाना और फिर सबका बायोमेट्रिक अपडेट कराना संभव नहीं है। ऐसे में सभी बच्चों को आयुष्मान कार्ड जल्दी नहीं बन पाएगा, यानी वे इस योजना के तहत अस्पतालों में मिलने वाली फ्री इलाज से तब तक वंचित रहने वाले हैं। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से खबर, जहां परीक्षा में कम या फिर ज़्यादा नंबर क्यों मिले ये आप छात्र देख सकते हैं। इस बार पुनर्मूल्यांकन का भी विकल्प छात्रों के लिए उपलब्ध होने वाला है। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा में किसी भी छात्रों को कम या फिर ज़्यादा नंबर क्यों मिलेंगे, पूछे गए सवालों के जो जवाब लिखे उसके अनुसार नंबर मिले या फिर नहीं, इन सभी तमाम जानकारी अब छात्र अपनी जची हुई आंसर शीट को देख करके ले सकते हैं। कोरोना के 3 साल बाद भी इस साल फिर से मूल्यांकित आंसर शीट देखने की सुविधा शुरू की जा रही है। ऑनलाइन एग्जाम होने की वजह से ये सुविधा बीते कुछ सालों के लिए बंद कर दी गई थी और इस बार परीक्षा ऑफलाइन की जा रही है। इसीलिए आंसर शीट देखने के साथ ही पुनर्मूल्यांकन और पुनर्गणना का भी प्रावधान किया गया है। ये सुविधा भी कोरोना काल में बंद कर दी गई थी और अफसरों का कहना है कि कोरोना में छात्रों को घर से पेपर लिख करके देने की सुविधा थी और इसीलिए दोबारा मूल्यांकन और आंसर शीट दिखाने की पात्रता खत्म कर दी गई थी, लेकिन इस बार परीक्षा सामान्य तरीके से आयोजित हो रही है। छात्र परीक्षा केंद्रों में जाकर पेपर दे रहे हैं, इसीलिए इस प्रकार की सुविधा को फिर से दी जा रही है। जंगल में अगर आप आग लगाते हैं तो आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है और इसके लिए अच्छा खासा जुर्माना भी आपको भरना पड़ सकता है। दरअसल फायर सीजन शुरू होते ही वन विभाग की चिंताएं बढ़ गई हैं। वन अमले को पूरी तरीके से सतर्कता करने के साथ साथ ड्यूटी में तैनात रहने का निर्देश भी जारी किया गया है। वही फायर वॉचर भी नियुक्त किए जा रहे हैं। इन तमाम उपायों के अलावा अब भी पाम्पलेट, बैनर, पोस्टर और बैठकें आयोजित करके ग्रामीणों व राहगीरों से अपील की जा रही है कि जंगल को आग से बचाने के लिए सहयोग करें। साथ ये भी बताया जा रहा है कि जंगल में आग लगाना दंडनीय अपराध है, इस अपराध में जेल भी हो सकती है और तकरीबन 15,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। पाम्पलेट, बैनर, पोस्टर और बैठकों के माध्यम से ग्रामीणों को ये समझाया जा रहा है कि आग वनों का सबसे बड़ा शत्रु है। यह देखते ही देखते घास और पौधे, साथ ही वन्य प्राणी और वृक्ष सभी को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। आग की वजह से भूमि की नमी समाप्त हो जाती है और जिससे वह कठोर हो जाती है, जिससे आने वाले समय में उसमें पेड़ और पौधे उगने की गुंजाइश कम होने लगती है। छत्तीसगढ़ में अब चैत्री चंद्र पर छुट्टी रहने वाली है। सदाणी दरबार के महोत्सव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसका ऐलान कर दिया है, साथ ही नगरी क्षेत्रों को इसका सीधा लाभ आने वाले समय में मिलने वाला है। छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल ने चैत्री चंद्र महोत्सव के अवसर पर छुट्टी का ऐलान कर दिया है। रायपुर के सदाणी दरबार तीर्थ में आयोजित किए गए कार्यक्रम में उन्होंने ये घोषणा की। ये अवकाश राज्य के नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्रों में दिया जाएगा। देर शाम मुख्यमंत्री सदाणी दरबार में संत राजा राम साहिब के 63वें वर्षीय महोत्सव में शामिल हुए। यहां उन्होंने पाकिस्तान के सिंध प्रांत से आए तकरीबन 350 श्रद्धालुओं का छत्तीसगढ़ की धरा पर स्वागत किया। इसके अलावा सदाणी दरबार तीर्थ में संत युधिष्ठिर लाल के सामने मुख्यमंत्री ने ऐलान किया, जिसमें सभी सिंधी समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री का आभार जताया। साथ ही सिंधी काउंसिल ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद दिया क्योंकि मुख्यमंत्री ने घोषणा की है चैत्री चंद्र पर छुट्टी देने की। भत्ते की घोषणा होते ही अब बेरोजगारों का पंजीयन 3 गुना तक बढ़ चुका है। छत्तीसगढ़ शासन की घोषणा और बजट में बेरोजगारी भत्ते के प्राविधान करने के साथ ही रोजगार कार्यालय में पंजीयन कराने की संख्या बढ़ चुकी है। प्रतिमाह 2,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता सुनते ही बेरोजगारों के पंजीयन में एकाएक तेजी देखने को मिल रही है। रोजगार कार्यालय के आंकड़े बताते हैं, जहां जनवरी माह में महज 785 लोगों ने रायपुर में पंजीयन कराया था, वही अब इनकी आंकड़े की संख्या तकरीबन 3 गुना से भी अधिक हो गई है। फरवरी में ये
आंकड़ा जनवरी की तुलना में बढ़कर 1400 को पार कर चुका है और ये दोगुना हुआ, जबकि मार्च में अब तक 1700 से ज्यादा लोगों ने अपना पंजीयन करा लिया है। हालांकि इससे रखी गई शर्तों के अनुसार 2 वर्ष पूर्व पंजीयन अनिवार्य है। ऐसे में इस मार्च तक पंजीयन करवाने वाले युवाओं को 2 वर्ष बाद इसका लाभ मिल सकेगा। यानी कि ऐसे अभ्यर्थी जो अप्रैल 2025 से आवेदन के लिए प्राप्त होंगे, माहवार पंजीयन के आंकड़े, नया पंजीयन, इसके अलावा पुनः पंजीयन, इसके अलावा बात करें तो विभिन्न प्रकार के जो पंजीयन है, यानी आप जो भी पंजीयन कराते हैं इनका फायदा आपको 2 साल बाद मिलेगा। यानी अगर आप अभी अपना पंजीयन कराते हैं तो आपको बेरोजगारी भत्ते का लाभ 2 साल बाद मिलेगा। छत्तीसगढ़ में थर्ड जेंडर को भी अब पेंशन की सुविधा मिल चुकी है। हर माह तकरीबन 350 रुपए की धनराशि छत्तीसगढ़ की सरकार उपलब्ध कराएगी। 3000 से ज्यादा की पहचान हुई है और समाज कल्याण विभाग ने इसके लिए आवेदन मंगाए हुए थे। छत्तीसगढ़ में पहली बार थर्ड जेंडर यानी तृतीय लिंग के लोगों को पेंशन की राशि दी जाएगी। समाज कल्याण विभाग की ओर से अभी तक बुजुर्गों, परित्यक्त, दिव्यांगों और बौने इनमें शामिल हैं। साथ ही निराश्रितों और विधवाओं को भी इस तरह की पेंशन दी जाती रही है, लेकिन अब राज्य सरकार ने थर्ड जेंडर वालों को भी पेंशन देने का फैसला किया है। इसके लिए ऐसे लोगों को विभाग की वेबसाइट में ऑल इन आवेदन करना होगा और साथ ही विभाग ने अभी तक 3058 थर्ड जेंडरों की पहचान भी कर ली है। इनमें 1229 को पहचान प्रमाण पत्र भी जारी किया जा चुका है। इसी के अलावा 1829 लोगों को प्रमाण पत्र जारी करने का काम अभी भी जारी है। दुर्ग में नालंदा जैसी 15 करोड़ रुपए की सुपर हाईटेक लाइब्रेरी का निर्माण होने वाला है, जिसका आप सभी को सुविधाओं का बेसब्री से इंतजार था। कई प्रकार की इनमें सुविधाएं मिलने वाली है जो बेहद आधुनिक तरीके की होंगी। दुर्ग जिले के युवाओं को अब शानदार सेंट्रलाइज्ड डिजिटल लाइब्रेरी का सुविधा मुहैया होने वाला है। ये एक तरह का स्टडी हब होगा जहाँ रायपुर के नालंदा परिसर की तर्ज पर इसको तैयार किया जाएगा। हजारों फिजिकल किताबें इन लाइब्रेरी में होंगी, जिससे UPSC और PSC के साथ साथ व्यापमं, नेट, सेट और कई तरह की केंद्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में बड़ी मदद छात्रों को मिलने वाली है। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय में हुई कार्य परिषद की बैठक में इस सेंट्रल लाइब्रेरी पर सहमति दे दी गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन के मुताबिक यह लाइब्रेरी नालंदा परिसर जैसे मल्टी स्टोरी होगी और जिसमें वर्ल्ड क्लास की सुविधाएं युवाओं को मिलेंगी। इसको लेकर जल्द ही जमीन की तलाश पूरी होने को है। राज्य शासन की मंशा के तहत जिला प्रशासन और हेमचंद विश्वविद्यालय ने इसकी रूपरेखा तैयार करनी शुरू कर दी है। एक बहुत बड़ी खुशखबरी छत्तीसगढ़ के लिए, जहां पर रत्नगर्भा छत्तीसगढ़ ने अब लिथियम का भंडार उगला हुआ है। कोरबा और सुकमा जिले में लिथियम के भंडार के अवशेष मिले हैं। प्रोसेसिंग यूनिट खुलने पर बेहद बड़ा फायदा छत्तीसगढ़ को होगा, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। छत्तीसगढ़ के विभिन्न इलाकों में लिथियम का भंडार मिलने की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है। इसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन प्रदेश के लिए यह खोज तभी फायदेमंद साबित होगी जब लिथियम को प्रोसेस करने की यूनिट भी यहां पर स्थापित किया जा सके। इससे स्थानीय स्तर पर न केवल हजारों लाखों को रोजगार मिलेगा, बल्कि केंद्र और राज्य सरकार को दशकों तक हजारों करोड़ रुपए का राजस्व भी मिलेगा। लिथियम प्रोसेसिंग यूनिट खोलने में भारी भरकम निवेश की जरूरतें होती हैं। जानकारों के मुताबिक एक यूनिट खोलने में तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए का खर्चा आता है और ये धनराशि इतनी बड़ी है कि ये आप छत्तीसगढ़ की GDP का 1/3 भी हिस्सा मान सकते हैं। इसके लिए बड़े प्राइवेट प्लेयर्स को इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी और ये तभी संभव होगा जब सरकार इन्हें रिझा सके। मसलन यूनिट खोलने में सब्सिडी के तौर पर सहयोग और फ्री जमीन सरकार मुहैया करा सके, तब ये प्राइवेट प्लेयर इनके बारे में सोच सकते हैं। गन्ने के गढ़ में किसानों ने अपना आंदोलन जारी रखा है। प्रदेश के तकरीबन 1000 किसान गन्ने की खेती और गुड़ बनाने के गुड़ सीखने के लिए पहुंचे हुए हैं। दरअसल शासन के प्रयास और किसानों की अथक मेहनत के दम पर गन्ना उत्पादन के मामले में पूरे देश में अपनी अलग पहचान बना चुका जो कबीरधाम जिला है, वो अब दूसरे जिलों के लिए मॉडल बनता जा रहा है। दूसरे जिलों के किसान भी यहाँ आकर के स्थानीय गन्ना उत्पादक किसानों से गन्ना की खेती के गुड़ सीख रहे हैं। इसी कड़ी में बीते दिन भी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक राजनांदगांव के प्रशासक नवाज खान के नेतृत्व में 3 जिलों के तकरीबन हजारों किसान का दल यहां पर कवर्धा पहुंचा था और 150 से भी ज्यादा सेवा सहकारी समिति के ये तकरीबन 1000 किसानों का दल कवर्धा पहुंचा था, जहां कवर्धा के गन्ना उत्पादक किसानों और निजी गुड़ फैक्ट्री संचालकों के साथ इन किसानों का स्थानीय नवीन कृषि उपज मंडी में वृहद सम्मेलन आयोजित किया गया, जहां पर किसानों को सिखाया गया कि कैसे वे भी अपना गन्ना उत्पादन कर सकते हैं। दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े इसके
पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना पहुँचा सके। बिलासपुर रेल मंडल की अब सभी रेल लाइनों का विद्युतीकरण हो चुका है जो अपने आप में बहुत बड़ी सुविधा है कि क्योंकि इससे ट्रेनों की लेट लतीफी थोड़ी बहुत कम करी जा सकती है। बिलासपुर रेल मंडल की सभी रेल लाइनों का विद्युतीकरण हो चुका है। 100% विद्युतीकरण का दावा करने वाली रेल का मानना है कि इससे ट्रेनों के परिचालन में बाधाएं नहीं आएंगी और ट्रैक्शन यानी कि कर्षण में परिवर्तन यानी डील से इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिक से डील ट्रैक्शन में परिवर्तन के कारण ट्रेन परिचालन में होने वाले विलंब में समाप्ति होगी। भारतीय रेलवे दुनिया में सबसे बड़ा हरित रेलवे बनने के लिए मिशन मोड पर काम कर रही है। वर्ष 2030 से पहले शून्य कार्बन उत्सर्जक यानी जीरो कार्बन एमिशन बनाने की दिशा में भारतीय रेलवे काम कर रही है। यहां अभी तक सभी लाइनों में विद्युतीकरण का कार्य पूरा हो चुका है। कांकेर घाटी की जंगलों में लगी हुई है आग जो लगातार भड़कती जा रही है। दावा है सैटेलाइट से मॉनिटरिंग करने का लेकिन आग बुझाने की कोशिशें पेड़ों की टहनियों के माध्यम से हो रही हैं। दरअसल जंगल में आग लगना कोई नई घटना नहीं है। हर साल गर्मी का मौसम शुरू होती ही ऐसी घटनाएं लगातार सामने आती हैं। बावजूद इसके प्रशासन ना तो पहले से कोई इंतजाम रखता है और ना ही मौजूदा स्थिति को संभाल पाता है। ऐसा ही ठीक मामला बस्तर संभाग की बात करें तो ये पूरा इलाका जंगल के आग के आगोश में है। ऐसे में की ये घटनाएं वन्य प्राणियों और आदिवासियों के लिए अच्छी खासी मुसीबत का सबब बना हुआ है। बता दें कि अकेले कांकेर घाटी में 10 स्थानों पर आग लग गई है जो लगातार बढ़ती ही जा रही है। हालांकि वन अमले के कर्मचारी आग बुझाने का प्रयास तो कर रहे हैं वो भी झाड़ियों के माध्यम से। इस बारे में जब कांकेर वैली के डायरेक्टर से बातचीत की गई तो उनके मुताबिक बताया गया कि वो सैटेलाइट से मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जहां भी आग लगने की स्थिति दिखाई देती है तो वो उसे तुरंत कंट्रोल करते हैं। लेकिन यहां पर नतीजा तो कुछ और ही दिखाई देता है। यहाँ पर वन कर्मी जो फायर वॉचर है वो यहाँ पर पेड़ों की टहनियों से आग बुझाते नजर आते हैं। सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जिसे लिफ्ट दिया गया था उसकी भी जान चली गई। ये मामला छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के रतनपुर मार्ग का है जहां पर बाइक सवार युवक तेज रफ्तार ट्रक से जा टकराए। हादसे में दो बाइक सवार की मौत हो गई और इनमें से एक की पहचान कोटा क्षेत्र के सरायपाली में रहने वाले युवक के तौर पर हुई है। वहीं दूसरे युवक को उसने लिफ्ट दिया था उसकी पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस शव को कब्जे में लेकर के जाँच कर रही है। बाइक सवार युवक दारसागर गाँव के पास ही पहुंचे थे, इसी दौरान उनकी बाइक तेज रफ्तार ट्रक से जा टकराई। हादसे में चंद्रशेखर की मौके पर ही मौत हो गई जबकि जिस युवक ने उनको लिफ्ट दिया था उनकी भी जान चली गई। तो ये होता है आजकल। 100 भाजपा कार्यकर्ताओं पर FIR कर दी गई है। विधानसभा घेरने के दौरान पुलिस अधिकारियों पर हमला किया गया था। तोड़फोड़ और सरकारी काम में बाधा समेत कई केसेस इन भाजपा कार्यकर्ताओं पर दर्ज किए गए हैं। रायपुर की पुलिस ने 100 से अधिक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर FIR केस दर्ज किया है और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसके पहले दिन 50 कार्यकर्ताओं पर FIR दर्ज की गई थी। असल रायपुर में 15 मार्च को अब बात करें तो 15 तारीख को जो है छत्तीसगढ़ विधानसभा का घेराव भारतीय जनता पार्टी के युवाओं के द्वारा कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया था और इस दौरान पुलिस से झड़प हुई थी। कुछ जगहों पर तोड़फोड़ के हालात बने थे और इन्हीं मामलों पर पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर केस किया है। पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने केस दर्ज करवाया है। ASP DSP रैंक के अधिकारियों के साथ मारपीट, उन्हें घायल करने और कुछ जगहों पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने समेत सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करने जैसे आरोप भाजपा नेताओं पर लगाए गए हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल जीतने वाली आकर्षी कश्यप को अब DSP के रैंक के तौर पर नियुक्त किया जा चुका है। कैबिनेट की बैठक में मीडियाकर्मी सुरक्षा विधेयक को भी मंजूरी दी गई है। आवासहीन को यहां पर पट्टे की सुविधा मिलने वाली है। दरअसल बीते दिन हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने अहम फैसले किए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में विधानसभा परिसर में हुई ये बैठक जिसमें सरकार ने पत्रकार सुरक्षा कानून समेत पट्टा देने और प्रदेश के विधायकों के वेतन नियम में संशोधन के प्रस्तावों पर किया। दरअसल बात करें तो छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक 2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 में संशोधन विधेयक 2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इसके अलावा पट्टाधेय अधिकारी विधेयक 2023 के प्रारूप का अनुमोदन इन बैठक में किया गया। छत्तीसगढ़ में GST संशोधन विधेयक 2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इसके अलावा नक्सलवाद उन्मूलन नीति का अनुमोदन भी इसमें किया गया है।
अमरजीत भगत ने मूंछ के साथ कान भी कटवाने की बात कह दी। दरअसल सरकार बनाने पर लगे दांव के बीच कवासी लखमा का एक और बयान सामने आ रहा है। बोले साय को फंसा दिया भाजपा ने। दरअसल छत्तीसगढ़ में साल 2023 में चुनावों के बाद किसकी सरकार बनेगी इसकी चर्चा है। इस चर्चा में प्रदेश के नेताओं ने बाल और मूंछों का भी दांव लगा दिया है। प्रदेश भाजपा के पुराने नेता नंद कुमार साय ने कहा है कि जब तक प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं बन जाती बाल नहीं कटवाएंगे। कांग्रेस सरकार ने मंत्री अमरजीत भगत ने इस पर कह दिया है कि अगर दोबारा कांग्रेस की सरकार नहीं आई तो मूंछें मुड़वा लूंगा। और अब इन दोनों मामलों पर प्रदेश के आबकारी मंत्री कवासी लखमा का एक और रोचक बयान सामने आ रहा है। दोनों ही नेताओं के दावों पर हंसते हुए हंसाने वाला बयान प्रदेश के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने दे दिया है। विधानसभा में मीडिया से बातचीत करते हुए हंसकर बोले कि अमरजीत भगत मूंछ भी कटवाएंगे और कान भी कटवाएंगे। इसके बाद खुद ही मस्ती भरे अंदाज में वे हंसने लगे। इंग्लिश में बोले एमएलए तो स्पीकर ने दिखाया तेवर। महंत ने कहा कि ये व्यक्तिगत चर्चा नहीं। रमन ने 600 करोड़ के चावल चोरी का आरोप भी लगाया है छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर। विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही जारी है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने चावल के स्टॉक में 600 करोड़ की गड़बड़ी का आरोप लगाया, तो वहीं इस मसले पर पक्ष और विपक्ष में जमकर बहस होती नजर आई। 10 मिनट के भीतर दो बार सदन की कार्यवाही को रोकनी पड़ी। इसके पहले कांग्रेस विधायक अमितेश शुक्ल ने अपनी ही सरकार को घेरा। उन्होंने गरियाबंद और देवभोग में चना सप्लाई में बड़ी का आरोप लगाया। वो अंग्रेजी में बात कर रहे थे। इसी दौरान चरणदास महंत ने तीखे तेवर देखने को मिले। विधानसभा अध्यक्ष ने कह दिया कि अंग्रेजी में बात न करें। सदन में इंग्लिश में बात करने को लेकर मजाक या माहौल भी बनता नजर आया। दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार रोजाना ठीक इसी प्रकार से हम आप तक पहुंचा सकें।